अनलॉक करना, बंदा ने अनलॉक कर ली ना, अनलॉक का मतलब अनलॉक होना, ये नहीं मतलब चल आपका ही चलना चाहिए। कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई अच्छी ड्राइवर हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त के पास आई, मेरे दोस्त से मैंने कहा मुझे छोटी गाड़ी दो, ठीक है। उसने कहा बीबी मेरे घर पे ये छोटी गाड़ी है, चाहिए तो रखो, वरना मैं क्या करूँ। अब मैं मजबूर हूँ, नए शहर में आई हूँ, मुझे क्या पता, आया तो नहीं मैं 7 साल रह चुकी। तो एयरपोर्ट में आपको क्या कंफ्यूजन है, एयरपोर्ट पे क्यों नहीं जा सकते? सुनिए, ये एयरपोर्ट जो है ना, मुझे नहीं पता किसने डिजाइन किया है, कोई कौन से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों को उन्होंने बुला के किया है। मतलब घूमे जाओ। आप फर्ज करें, अगर बंदा किसी कोने पे फंस जाए वहाँ पे, एक तो आपको पता नहीं, अब आप गूगल मैप भी देख रहे हैं, आप गाड़ी और गाड़ी के जहाज है, आप चला रहे हैं ना, ये यूं चलती है ना ये यूं हो रही है, अब आप देख रहे हैं कि कोने में अगर मैं फंस गई तो कहाँ होगा। तो आप एक रॉन्ग टर्न भी नहीं ले सकते, क्योंकि यू टर्न का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। सुनील साहब, आपने मुझे रास्ता बताना है। सुनील साहब रास्ता बहुत अच्छा बताते हैं। अच्छा, इनको वैसे बाकी बहुत, वैसे तो मैं अपनी जिंदगी रिस्क कर रहा हूं। अच्छा, देखिए ठीक है। अच्छा नहीं, देखिए आज एक तो मुझे तेज गाड़ी से डर लगता है, पहली चीज बता दूं। तेज मैं चला भी नहीं सकती भाई आपका। अच्छा, और दूसरी जो है ना कि आपको ध्यान से चलानी है, यहाँ पे जो मोटरसाइकिल हो रही है वो है, उसके साथ जरा ध्यान से करना। कराची, कराची में नॉर्मली कराची की ट्रैफिक मेरा ख्याल इस लाहौर में डिफरेंस ये है कि कराची में साइकिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सड़क के ऊपर, वहाँ पर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, वहाँ पे आप नोट कीजिएगा सड़क पे आपको साइकिल नजर आएगी, बहुत कम नजर आती है। सिर्फ वाले साइकिल वाले नजर आएंगे जो GTR से लड़ते हैं कि तुम्हारे बाप की सड़क है, तुम्हारे बाप की सड़क है ना, वो लाख रुपए वाली साइकिल वाली लेफ्ट लेना। तो यहाँ पे जो है साइकिल बहुत ज्यादा है, तो एक डिफरेंस ये होगा। अच्छा वैसे हम 4 लोग बैठ के जो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट तो हमें बाहर निकाल देंगे पार्किंग। क्यों? 2 से ज्यादा बंदे लेने नहीं जा सकते। अगर रश होगा तो उस दिन रात को रश था, मैंने सीट बेल्ट के लगा भी देंगे, साथ लगाई थी, उनसे कहेंगे कि बीबी को वैसे ड्राइविंग नहीं आती, वो आई है किसी को लेने, तो क्या करें, देखते हैं। अच्छा ये टेस्ला है, वाह जी वाह, ये कैसे काम होते हैं, वाह कैसे काम होते हैं, ये मुझे खुद नहीं पता। पीछे 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 अच्छा अच्छा नीचे 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 ऊपर ऊपर। अच्छा, अभी तो फिलहाल आप ये शुक्र अदा करें। मैं हैरान हो गया, प्राडो में बैठ के टेस्ला किसी में भी आप लगा ले, लोग मैं शुरू हो गए। मेरे ख्याल ये नहीं लगाना चाहिए, जब आप गाड़ी में लगाते हैं ना तो ये भी तो चल रही है, बट हमारे जितने भी दोस्तों ने लगाया है एसी के कंट्रोल काम छोड़ देते हैं, चाइनीज चीजें ऑब्वियसली उसकी जो है रिलायबिलिटी वो नहीं होती, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक तो डिस्ट्रैक्शन है, यू टर्न लेना है, डिस्ट्रैक्शन है एक तो सबसे बड़ी, दूसरी बात ये कि इसके जो है ना ये कंट्रोल भी खराब हो जाते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। मैं कब से, तो लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी मैंने उसकी कोशिश की, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने गाड़ी ऑन भी कर ली थी, इस दफा गाड़ी नहीं ऑन हुई मुझे। अच्छा मजे की बात ये है कि कल मुझे पता लगा गाड़ी ओवरहीट हो रही है। अच्छा, गाड़ी ओवरहीट हो रही है, मैं परेशान, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, लाहौर के 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर गाड़ी ओवरहीट कैसे हो रही है। पिछली दफा भी जब ये आई थी तब भी ये कह रही थी कि गाड़ी गाड़ी थी ना तो वो छोटी गाड़ी जो है उसका इंजन उड़ गया था, और इस दफा जो गाड़ी है वो ये गाड़ी जो है बड़ी गाड़ी है, और इसका मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा कैसे हो सकता है गाड़ी की ओवरहीटिंग शुरू होगी। तो एज इट अपीयर्ड वो ये था कि वो ब्रेक के बगैर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो लाल लाइट आ रही थी, गाड़ी कह रही थी मैं नहीं मानती, तो वो निकला, तो अभी तक तो ओवरहीट उस तरह नहीं हुई, ये पुश स्टार्ट है। अच्छा ये फिर तो सही, ये गाड़ी वैसे कौन सी है? प्राडो है, 2.4 लीटर 4 लीटर और मॉडल ईयर 2012 with sunroof. Oh, there's a sunroof. I didn't know there was a sunroof. I've been driving this car for practically पिछले महीने भी आगे मैं इसी गाड़ी को चला रही थी, और इससे पहले मैंने इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चलाई, मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। और हम जहाँ रह रहे थे नीचे बेसमेंट में, इस पूरे जहाज को उतारना और निकालना, उसके बाद मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया ना, सुनील थैंक यू। नहीं, आपके मियां ने और आपने पहले कहा था कि नहीं जी ये गाड़ी जो है ये लाहौर में चल नहीं सकती, यही कहा था ना? हमने ये कहा कि ये नहीं चल सकती, मैंने कहा क्यों नहीं चल सकती, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चलाई थी तो फिर बेहतर हो गया था। लेकिन आई थिंक बड़ी गाड़ी चलाना या छोटी गाड़ी चलाना एक मिथ होती है कि बड़ी गाड़ी नहीं चल सकती, मुझे लगता है कि ज्यादा आराम से चलती है।
मुझे भी यही लगता है। आई थिंक ट्रैफिक का है ना, देखिए कराची की जो ट्रैफिक है, एक तो हर जगह ब्लॉक भी हो जाती है, सही है, फिर इस तरीके से कवानीन नहीं है, लोग रुकते नहीं है, मोटरसाइकिल वाला आपकी आंग पे आ रहा होता है, हर तरफ से लोग चढ़ रहे होते हैं ना, तो आप कैसे बनना चाहते हैं। अच्छा, ये काफी लोगों ने बताया कि कराची में कवानीन नहीं है, मतलब आई वुड लाइक यू टू शेड सम लाइट ऑन दिस, कि क्या है वहाँ पे पुलिस नहीं है, पुलिस के लोग सुनते नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो लोग आपने देखा होगा ट्रैफिक को बड़ा सही फॉलो करते हैं। एब्सोल्यूट, लेकिन यहाँ पे सामने ही है, लोग लाइन में चल रहे हैं, तमीज से चल रहे हैं, कोई भाई यहाँ पे तो हॉर्न, पिछले दफा मैंने तो हॉर्न ही नहीं बजा रहा था भाई कोई, और मुझे खुद नहीं पसंद हॉर्न बजाना क्योंकि मेरा सर दुख जाता है, और आई फील इट्स अ लिटिल इम्पोलाइट। और यहाँ पे माशाल्लाह से, मतलब लाहौर को बड़ा एक जमाने में ना बड़ा पिंडू क्या क्या कहा जाता था, लेकिन लाहौर जितना सिविलाइज्ड शहर है हर तरीके से आप देख लें कि सड़कें कितनी खूबसूरत हैं, साफ सुथरी हैं, एक तरीके से ट्रैफिक चल रहा है। और कराची का मसला देखें, दो चीजें ना, एक तो हम खुद भी कवानीन फॉलो नहीं करते जो हैं, फिर जो ऑब्वियसली जो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, और वो खुद भी जो है कहीं कोने किसी ना किसी दरख्त के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं और वो अपने गप्पे मार रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की इतनी प्रेजेंस भी नहीं जितनी लाहौर में, अगर आप देखें ना तो हर आपको चौक पे, अभी यहाँ पे आप जा रहे होंगे गुजरते हुए जिसको कराची में चुरंगी कहते हैं, वहाँ पे आपको चार या पांच पुलिस वाले नजर आते हैं और उनकी रिट बड़ी स्ट्रांग है, मतलब हमने देखा ओवर द इयर्स अगर कोई सेलिब्रिटी भी है, क्रिकेटर भी है, कोई भी है, वो किसी की जो है ना प्रेशर नहीं लेते, एंड आई थिंक आपको इंस्टीट्यूट को जो है इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना पड़ता है ताकि उनकी रिट कायम हो, तो ये कमी हमें वहाँ पे फील जरूर होती है। बाकी जनरली लाहौर के अंदर ग्रीनरी मेरा ख्याल ज्यादा है, सफाई ज्यादा है, पिछले 10 सालों में लाहौर जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, आई डोंट थिंक कोई इमेजिन कर सकता था, एंड आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद द स्टार्टअप कल्चर एंड द यंग पीपल हु हैव सॉर्ट ऑफ टेकन ओवर द सिटी, एवरीवनस वर्किंग, जो शायद पहले नहीं होता था, इतनी ज्यादा खवातीन काम नहीं करती थी, जो मुझे याद है आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन हु यू नो मेरे सर्कल में जो काम भी करती थी, वर्किंग प्रोफेशनल थी, और उससे पैसे का कोई लेना देना नहीं, मैं करियर ओरिएंटेड, और अब मैं देख रही हूँ कि बड़ा डिफरेंट यहाँ पे कल्चर है। मैं अभी जो खेल करने आई हूँ, मैं लाहौर भाई इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी कोई मजेदार जगह खुली है कॉल्ड द कॉलोनी, एंड कॉलोनी में मजे मजे के फिट किस्म के प्रोग्राम हो रहे थे, मैंने कहा जी मैंने यहाँ पे आके परफॉर्म करना है, बिकॉज दे हैव रियली मैनेज्ड टू क्रिएट दिस वेरी लॉयल सॉर्ट ऑफ क्लाइंटेल एंड पेट्रन ऑफ द आर्ट्स, and they're genuinely reviving theater and the performing arts because you know na ticket lagaya hua hai, dekhiye jab tak you don't pay for something it does not become a viable sustainable business, right? startup ka bhi masla hai, jab tak koi startable koi startup actual income generate nahi karega, right, unka wo ebitda positive nahi honge tab tak aap wo business to kehlayega hi nahi na, fir to wo bas fee sabhi lilla hi chal raha hai, एंड यही मैं लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई वाज वेरी लकी कि सम ऑफ माय स्पॉन्सर्स रियली अंडरस्टूड दिस, एंड आई यू नो रियली कम ऑन बोर्ड, दे सपोर्टेड मी फाइनेंशियली एंड दे आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि नहीं ये देखिए मेरा बिलबोर्ड चल रहा है, थैंक यू काइनेटिक, वाह ये देखिए पूरी सड़कों पर मैं नजर आ रही हूँ, क्या कहने माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आइए जी देखिए एक्साइटमेंट, मैं परेशान हूँ, कुछ हुआ है क्या हो गया? अच्छा नहीं वैसे आपस की बात है, मैं भी कल ही बात कर रहा था, मैं अपनी बेटी से भी बात कर रहा था और मेरी बात हो रही थी, तो आज के जमाने में एक प्ले देखता है थिएटर प्ले? हाँ जी लोग देखने वाले थे, कॉलोनी की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि लाहौर जिसको एक जमाने में लाहौर यूज्ड टू बी द सीट ऑफ कल्चर एंड द आर्ट्स, राइट, और वो बिल्कुल बैकफुट पे चला गया, सिनेमा भी बंद हो गए, एंड आई वुड से द यंग पीपल दिस पर्टिकुलर यंग जनरेशन इज रियली पुशिंग इट फॉरवर्ड, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक तो ड्रामा सोसाइटी भी है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा है, और देखिए हमेशा ना ये इट हैज टू कम फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एंड आई फील दैट दिस प्लेस कॉल्ड द कॉलोनी हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले, क्योंकि उन्होंने एक जगह क्रिएट की, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पे कोई फ्री पासिस का सिस्टम नहीं होगा, जो अल्हमरा का कल्चर रहा है, यहाँ पे जिसने आना है ये टिकट है आपने देना है, 1500 रुपये उनकी बेस लाइन टिकट है, उनके हाउसफुल जा रहे होते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शो कर रही हूँ इस वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोग आइएगा, पता नहीं वीडियो कब रिलीज होती है, ये टिकट्स कहाँ से खरीदते हैं? टिकट्स जी आप ऑनलाइन लें टिकट वाला से, वरना अगर आप वहाँ पे हमारे पास आएंगे हम आपको स्टैम्प करेंगे, जीरो वेस्ट इवेंट है, कोई पेपर शेपर प्रिंट नहीं कर रहे हम, कोई पोस्टर नहीं लगा रहे, बिकॉज सब चीजें वेस्ट होती है, एनवायरमेंट का हमने ख्याल रखना है, इट्स टाइम वी हैव दीज कन्वर्सेशंस आल्सो बिकम कॉन्शियस कंजम्पशन के बारे में। उल्लू और बिल्ली है जी खेल का नाम, ये तो हमने बताया नहीं, व्हाट्स इट अबाउट? इट्स एक्चुअली अ वेरी फनी, इट्स अ कॉमेडी प्ले दैट टर्न्स इनटू अ ड्रामा, दो कैरेक्टर्स हैं मैं और मेरे को एक्टर हैं कासिम, और एक रिलेशनशिप के बारे में, तो बहुत आइडेंटिफाइबल है लेकिन रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और आजकल ये बड़ा इशू हो गया है साइकोलॉजिकल अब्यूज का,
और आपको पता नहीं चलता आप एक रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं। यकीनन जो लोग ये देख रहे हैं उनकी जिंदगी में पांच ऐसे लोग होंगे जिनको उन्होंने कहा भाई यार छोड़, छोड़ दे इस बंदे को, छोड़ दे इस बीबी नू, यू नो मगज खपा देगी। लेकिन पीपल आर स्टक, दे डोंट रिकॉग्नाइज द साइंस। तो ये इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है कि एक रोमांटिक लव स्टोरी भी है लेकिन इसके अंदर एक इट पैक्स अ पंच। तो आगे देखिएगा उल्लू और बिल्ली द कॉलोनी 22nd से 24th जो है हमारे शोज है वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे, और टिकट्स हैं टिकट वाला पे, और आप कॉलोनी पे आके भी ले सकते हैं, हम आपको स्टैंप लगा देंगे अंदर आइएगा। लेकिन आप ऑनलाइन ले लेंगे तो ज़रा अच्छी सीन हो जाएगा क्योंकि डिजिटल टिकट होगी, आपके लिए भी अच्छा बेहतर होगा, कोई झंझट नहीं होगी, आराम से आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक लाहौर में किसी ने नहीं किया, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान में नहीं किया, मैंने कराची में भी यही किया था, आए ज़रा जल्दी आए, मज़े मज़े की चीज़ें खाने की होंगी, और डोनट्स हैं, फूड पैंडा ने कुछ अपने होम वेंडर्स वगैरह भी रखवाए हैं, मजे मजे की खाने की चीजें होंगी, थोड़ा खाइए पिएगा फिर अंदर जाइएगा, 7:30 बजे शो शुरू होगा, जरा ठीक ठाक पेट भर के। और जैसे सुनील साहब बता रहे थे कि बड़ी गाड़ी जो है वो इजी है चलाना एज कम्पेयर टू जो है छोटी गाड़ी, आपको ऐसा फील हुआ? देखिए मैं सुपरफिशियल नहीं होना चाह रही लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी यार, बड़ी गाड़ी की ना बात अलग होती है, आती है आपको जरा वडेरे का बेटा स्टाइल, आपको लगता है ओए होए आई एम द किंग ऑफ द वडेरे का बेटा का बहुत अच्छी फील आती है, आपको लगता है वाह भाई मैंने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया है। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो होती है ना, पर लोग देखें पूरी दुनिया में एसयूवीज का कल्चर क्यों चल रहा है, क्रॉसओवर एसयूवी से कल्चर से, कि जब भी इंसान अपने जो है ना प्रोफेशनल लैडर में थोड़ा ऊपर जाता है वो सेडान लेता है, फिर उसके बाद वो कहता है गाड़ी लगेगी लेफ्ट पर, गाड़ी लगेगी राइट जाना, अच्छा ये बहुत डेंजरस काम है भाई, एक तो पहली सात वाली सीट बैठना मुश्किल होता है, पहली सीट पे और मुश्किल होता है। देखिए मैंने तो कभी नहीं कहा, इससे आगे मैं कोई रिमार्क दूंगा तो वो सेक्सिस्ट हो जाएंगे। खवातीन ड्राइवर अच्छी होती हैं, मैं वो खातून नहीं हूँ, आई एम अ बैड ड्राइवर, लेकिन इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ भाई। देखिए अगर मैं देखूँ जल्दी में हमेशा हर वीडियो में भी कहता हूँ कि खवातीन जो होती है ना वो ज्यादा जिम्मेदार भी है, अगर आप प्रोफेशनल करियर में देखें, और गाड़ी चलाने में भी देखें तो मोहताज ज्यादा है, यू वुड आपको रैश ड्राइवर खवातीन बहुत कम नजर आएंगी। हाँ आप सड़कों पे अगर एक्सीडेंट का रेट निकाल लें तो खवातीन बहुत कम नजर आएंगी, उसको डिस्काउंट भी कर देंगे खवातीन अगर कम चलाती हैं, अब तो पहले तो कम थी अब तो कम भी नहीं है आप, मतलब हमारे यहाँ पे बड़ी सिटीज में खवातीन की गाड़ी चलाना जो है वो ना तो मायूब समझा जाता है, पहले एक जमाना था कि बुरा समझा जाता था, मुझे याद है मेरे जब हम छोटे होते थे तो मेरी वालदा मेरा ख्याल है लाहौर में वाहिद खातून थी जो कि जीप चलाती थी, तो लोग कहते थे जीप तो औरत नहीं चला सकती, एक कॉन्सेप्ट था, पहले गाड़ी नहीं चला सकती थी फिर जीप नहीं चला सकती थी, हालांकि वही बात है कि उसने मोड़ों पर उठ के नहीं चलानी, इट्स अबाउट अ कल्चर चेंज। बाकी जो खवातीन की ड्राइविंग में थोड़े बहुत आप इश्यूज कह सकते हैं वो ये कि एक तो वो मोहतात होती हैं, थोड़ा वो स्लो होती हैं, तेज नहीं चलाती हैं, स्लो इस सेंस में कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, मेरी वालदा अगर ब्रिज क्रॉस कर रही होती ना तो ब्रिज के सेंटर के अंदर गियर चेंज कर लेती हैं या ब्रेक लगा के फिर गियर चेंज करती हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कह रही ब्रेक क्यों लगाई आपने, ठीक है, बट उसको आप मोहतात कह सकते हैं। मुझे वैसे लगता है कि ये जो है ना ये जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई जेंडर से है, आई थिंक जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो वैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो अर्ली ऑन जो है लड़कों को ज्यादा चांस मिल जाता है 11-12 साल की उम्र में गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अगर ये कल्चर चेंज करेंगे जिस तरह अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि खवातीन स्कूटर भी चला रही है, कल परसों मैंने देखा कि डिलीवरी कर रही थी खातून वो भी चला रही थी स्कूटर, तो ये एक अच्छी चीज है, आपने एक डिपेंडेंट कर दिया था खातून को या फीमेल्स को मेल के ऊपर कि जी वो उसके बाद उसके बगैर नहीं निकल सकती, ठीक है, अपने किसी भी काम के लिए, तो इसी तरह आपकी मोबिलाइजेशन के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और अगेन आई एग्री विद यू कि ये आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन बेहतर ड्राइवर है कौन बुरा ड्राइवर है, बट अगर बेहतर और बुरे की बात की जाए तो मेरे ख्याल से खवातीन बेहतर ड्राइवर, वही मैं कह रहा हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो आई थिंक इक्वल ही होंगे, मुझे नहीं लगता कोई फर्क हो, और बेहतर होंगे इन द सेंस के जो टीनएजर है वो रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, आज के बच्चे जो 18 साल से खवातीन है बच्ची है जो छोटी है वो चलाने शुरू कर दें और उनको आप इंटरेस्ट से सिखाएं जिस तरह लड़कों को सिखाया जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी मुंडा है तो सीख सकता है कुड़ी नहीं सिखानी, तो वो एक बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कितना कोई डिफरेंशियल है। अगर आपने कोई पुरानी गाड़ी सॉरी काट रहा हूँ पार्क करनी है, देखिए उन्होंने एयरपोर्ट फैसिलिटी दी हुई है, खराब जहाज खड़े तो अपनी पुरानी गाड़ी को लाके खड़ी कर झाड़ियों के अंदर से निकल रहे, पता नहीं कब से खड़े हैं, कई सालों से खड़े इधर, पता नहीं क्या एयरलाइन भी खत्म हो चुकी है। तो हनी क्या उधर ज्यादा मतलब के कॉन्फिडेंट होते हैं जो कराची में ड्राइवर्स हैं फीमेल ड्राइवर्स खास तौर पे? आई थिंक देखिए यू नो ये बहुत मैं खास एक जनरलाइजेशन शायद कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इससे ये लेना देना हो कि हमारा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक बड़ा शहर है, और दुनिया के किसी भी बड़े शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी में होता ही है कि वो खवातीन के पास वो लग्जरी नहीं होती कि घर पे बैठे, राइट, तो वो शुरू से ही काम कर रही होती हैं, जब आप काम करेंगे तो फिर सोशल मोबिलिटी के लिए एक सर्टन तबके के लिए वो जो अफोर्ड कर सकता है
गाड़ी होना जरूरी है. अभी आप हमारे पास राइड शेयरिंग एप्स हैं लेकिन पहले तो नहीं थी वो है. फिर मैं अपनी अगर दोस्तों की बात करूं हु आर मदर्स राइट, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द रोड. इस बच्चे को यहाँ से उठाया, सॉकर पे भेजा, ट्यूशन पे किया, तो 24 घंटे ऐसा लगता है उनकी जो है जिंदगी गाड़ी में ही गुजर रही है बेचारियों की, क्योंकि वो पिक एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं बच्चों को, ड्राइवर के हवाले नहीं करना चाहते. एंड बिकॉज आई थिंक वुमेन वर वर्किंग अर्लियर इन कराची, आई थिंक दे आर मोर कॉन्फिडेंट इन दैट सेंस दैट देयर देयर इज अ नेचुरल कॉन्फिडेंस एंड वो ड्राइव भी फिर उस कॉन्फिडेंस से कर रही होती हैं. लेकिन वही वाली बात, बड़ी गाड़ी यहाँ पे इसलिए मैं चला पा रही हूँ ऑनेस्टली क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं. मैं डिफेंस में रहती हूँ जो जिसको बड़ा पॉश इलाका समझा जाता है कराची में, लेकिन जो हाल था और इस वक्त स्पेशली जब बारिशें हुई हुई हैं पिछले हफ्ते, डूब गया भाई हमारा शहर और हमारी सड़कें, तो डिफेंस का तो बहुत बुरा हाल था. और तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि यू नीड एन SUV क्रॉसओवर इफ यू कैन अफोर्ड इट. आपके घर में एक प्राडो, टूसों, इस किस्म की जो है ना गाड़ी होना जरूरी है, वरना तो आप तो मतलब 2 साल पहले जो हाल हुआ था, राशन लेने के लिए भी आप नहीं निकल सकते थे बाहर, घुटनों घुटनों तक अगर पानी है. तो जीप इज द ओनली कार या क्रॉसओवर इज द ओनली कार दैट इज इक्विप्ड टू फॉर दैट काइंड ऑफ टेरेन एंड एनवायरनमेंट. दूसरी चीज मेरा ख्याल है खवातीन की ड्राइविंग में एक और चीज होगी, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है उसका बड़ा हाथ होगा. यहाँ पे आप कंफर्टेबली चला सकते हैं, कराची में वो भी डर लग रहा था. आपके साथ कभी हुई स्नैचिंग? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं. वीडियो के बाद होगी, अल्लाह ना करे ऐसा ना करे. देखिए देखिए ना मेरे पास महंगा फोन है, राइट ले लूं अभी, सिग्नल बंद है. अच्छा जी, नहीं ना मेरे पास कोई महंगा फोन है, सच्ची बात है, क्योंकि एक तो मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना आता महंगा फोन, पहली तो बात है. टेक्नोलॉजी से आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह मेरी क्या रिलेशनशिप है, गाड़ी ऑन ही नहीं करना आई मुझे, तो महंगे फोन नहीं होते. प्लस आप देख लें मेरे हाथ, कोई नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं पहनती मैं उस किस्म की खातून ही नहीं हूँ, तो मैं कोई ना मेरे पास कोई अच्छी फैंसी गाड़ी भी है वो बंदा के बंदा ले भी ले. तो चीज़ें कराची में चेंज बहुत हुई हैं, रेंजर्स जब आए यू नो काफ़ी कराची का सफाया हुआ है. एंड नाउ आई फील कि एटलीस्ट आई कैन ड्राइव. मैं रात के 12 बजे भी ड्राइव कर चुकी हूँ अकेले, बट दूर से नहीं, विद इन डिफेंस ही एक दोस्त के घर से जो है ना फुल छिपती हुई आ गई यू नो. गाड़ी की शॉक्स को जो है थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़ा सा तो बंदा घबराता है. अब बड़ी गाड़ी का देखिए ये फ़ायदा है, अगर मेरे पास कराची में इस वक्त प्राडो और मैं चलाऊँ तो आई विल फील सेफ, बिकॉज एक तो ये स्लाइटली एलिवेटेड है, ऊपर से मुझे नीचे नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, और इतनी बड़ी गाड़ी है कि खुदा ना खास्ता किसी ने अगर मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैंने उसको साइड किया और मैं भागी, एंड आई कैन कॉज मोर डैमेज टू द अदर पर्सन. सो आई थिंक लोग फिर और मोहतात हो जाते हैं कि नहीं भाई बड़ी कार में आ रही हैं तो भी हो. भूल भुलैया में एंटर हो रहे हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बंदा मैं पहली दफा जब आया था ना दोबारा बना था तो मैं ओवरवेल्म हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी. हां मैं भी बोलूं टैक्स कितना बढ़ा दिया जाता है, मैं तो ये नहीं समझ आता कि हम सारे आवाम बेवकूफ हैं. एयरपोर्ट में पता नहीं बचपन से आ रहा हूं, जब से देख रहे थे कि कितना किराया, पहले लोग 10 रुपए बढ़ता था तो बड़ा चीखे मारते थे, अब 1 घंटे का 100 रुपए है, लिखा 90 लेते 100 है ठीक है जी. और आप दिन की गाड़ियां काउंट कर ले, मैं फिर तस्वीर स्क्रीन पे लगा दूंगा. दिन के टाइम खाली होता है एयरपोर्ट, सारी फ्लाइट रात के टाइम आती है, क्योंकि इंटरनेशनल 4-5 इकट्ठी फ्लाइटें आती हैं, तो उसके बाद इधर सूरत हाल देखने वाली होती है क्या है. आप किसी को ड्रॉप करने आ जाए तो ड्रॉप लेन में भी जगह नहीं है, पिक करने आ जाए तो पिक करने के लिए बेसमेंट में उन्होंने बनाई है पार्किंग, वहाँ पे अभी भूल भी नहीं है. देखिए ना आपको बाकी में लग रहा है कि आप में से किसी की नजर तो खराब है, मेरी तो खराब है, मेरे से तो बोर्ड नहीं पड़ा जाता, ड्राइवर में आ रहा हूँ तो मुझे बोर्ड नजर ही नहीं आ रहा क्या लिखा. हाँ दैट्स ट्रू, इसको और बड़ा बड़ा बाहरी तौर पे नजर आना चाहिए, बहुत छोटा है. मैं तो इस वक्त उस बात का फायदा नहीं ले रहा हूं. अराइवल पे जाना ना, चलते हैं. अब जब आप वो मोड़ मुड़ चुके होंगे तब आपको बताएगा कि अराइवल लेफ्ट पे है, बिकॉज मैं तो आता रहा उसके मुझे याद है, वरना अगर आप एज अ ड्राइवर आ रहे हैं आपको नजर नहीं आ रही है. वाजे तौर पे बड़ा बड़ा शायद अलग अलग कलर्स में होना तो और भी आसान रहे. आई थिंक बैरूने मुल्क लोग यही करते हैं, अलग अलग कलर्स में बड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, तो वो और आपको वाजे तौर पे नजर आता है. अच्छा, अब यहाँ तक उस दिन ना रात को मैं जब आया था रजा साहब को लेने, यहाँ तक ब्लॉक थी, यहाँ से और ये इतनी वाइड वाइड डिपार्चर और वो लेता यहाँ से होते हैं, तो जो डिपार्चर होता वो भी ख्वार था, लेने वाला भी ख्वार था, वो देखे आगे से उल्टे आ रहे हैं, आधी गाँव को ये नहीं पता था, हमने सीधे ही जाना है. अभी देखे ना सामने इस टाइम पे ये अभी बॉर्डर लाइक नहीं बनी ना, अभी कितने जगह है एंट्री के, देखे कितने पॉइंट 2 खुले हुए, बाकी बंद किए हुए पता नहीं क्यों. हालांकि एक ऑटोमेटेड मशीन है, आपने कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने बटन दबा के खुद टिकट लेनी है, तो बंद क्यों किया हुआ, सिर्फ बिजली बचाने के लिए. वो और है भी 3 आगे जाके 4 होते, तो यहाँ बॉटल नेक बन जाती है, यहाँ पे रात को लड़ाइयाँ होती है लोगों की, एक पॉइंट बंद है दूसरा पॉइंट बंद है. अभी आगे दिखाएं आप जरा, सारा फील तो आती है कि आप किसी इंटरनेशनल, नहीं सुबह के टाइम फील आती है, रात के टाइम आपको लगेगा आप लारी अड्डे पे हैं. नहीं लेकिन फिर भी
जैसे मैं बता रहा हूं इस फील आ रही है ना, इस टाइम खाली है, बंदा कहता है कितना अच्छा है, देखें राइट पे देखें, वो अगली गाड़ी में पार्क व्हील का स्टिकर भी लगा, देखें किधर है यूसीपी, यूसीपी यूनिवर्सिटी सेंट्रल पार्क व्हील, पार्क व्हील्स। तो ये जो राइट पे भी आप देख रहे हैं ना, पार्किंग बड़ी आपको फैंसी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, खाली है। अब देखना आगे चार है, पांच है, ये कितने हैं, 1 2 लिखा 8 7 6 है, पता नहीं है चार। पीछे एंट्री के पॉइंट 2 है, वो वहां बॉटल नेक बन जाती है। ये ना आपकी, इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप कराची आए, निजाम है, बस वही है। कराची का एयरपोर्ट तो ठीक है, कराची एयरपोर्ट इज मच बेटर, क्योंकि वो पहले बना था और बड़ा भी था इससे। हाँ, और जब मैं और फ्लाइट भी ज्यादा थी। मैं एक दफा गया था कराची एयरपोर्ट, मतलब छोटे होते तो मुझे यहाँ और उसके एयरपोर्ट, वो तो मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लग रहा था। यहाँ से कुछ पकड़ना होता पर्ची सीधे, थोड़ा राइट पे बस ठीक है, ऑटोमेटेड है तो फिर बंद करने का क्या मकसद है, जब मशीन नहीं करना है यहाँ तो ना, बंदे नहीं है, अटेंडेंट नहीं, राइट लेनी है, अच्छा बेसमेंट भी है इधर। हाँ, तो बेसमेंट रात को ही बंद करते हैं, बेसमेंट में आओ किसी को लेने आ जाए, आपका फोन बंद हो जाए तो सिग्नल ही नहीं आते। यू नो ड्राइविंग इन कराची आजाब है, ड्राइविंग इन लाहौर फील्स लाइक अ ट्रीट, एंड इन दिस कार इट फील्स इवन मोर लाइक अ ट्रीट, क्योंकि सड़कें भी अच्छी हैं, स्मूथ है, फिर ये ड्राइव भी बड़ी स्मूथ है। एंड एज अ वुमन, क्योंकि लाइक मैं बहुत घबराती थी ना बड़ी गाड़ियों से स्पेशली, तो जब सुनील ने कहा बीबी यही गाड़ी लेना है इधर, तो उससे ये हुआ कि मैं खुद, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, राइट, मदर इज क्या कहते हैं, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ ऑफ नेसेसिटी, ऐसी यही है बिल, नहीं यही कह रही हैं, सही कह रही हैं, जरूरत जो है इजाद की माँ है, ठीक है। तो क्योंकि मेरी जरूरत थी, मुझे सीखना पड़ा और उससे वाकई में एम्पावर हुई। और दूसरी चीज मैंने नोटिस की, कल जैसे मैं गाड़ी लेके गई लोहार चटखारा और मुझे पार्क ही ना हो, लेकिन मैंने गाड़ी से भी आप कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही करो, आपको सीखना जरूरी है। मैंने कहा कितनी अच्छी बात की ना इन अंकल ने, 100 सदके भाई उनके ऊपर, कि इतनी सो स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने कहा, उनका उन्होंने अपना 20 मिनट दिमाग खपाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इस बच्ची को मैंने सिखाना है कि गाड़ी सही कैसे पार्क होती है। मैंने एंड्रॉइड सिस्टम जो लगवाया है ना, वो बहुत अच्छा है, अगर आपने भी खरीदना है किसी भी गाड़ी का एंड्रॉइड सिस्टम, तो पॉपअप बैनर पे यहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा हनी, आपने भी अगर प्राडो लेनी है तो पार्क व्हील्स पे मिलती नहीं, है वो हमने बिल्कुल पार्क व्हील्स से जो है क्रॉसओवर लेना है, क्योंकि हमने इस दफा बारिश में जो है, तो अभी करंट गाड़ी आप जो है पार्क व्हील्स पे बेचें बेस्ट प्राइस पे, और आप नई गाड़ी लें इंस्पेक्शन करा के लेनी है, ताकि आप जो है ना इन्फॉर्म डिसीजन लें। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग, मैं देखता हूँ कि आप जब जा रहे हो ना सड़क पे, लोग ऐसा ऐसा गाड़ी चला रहे होंगे, वो फोन पे लगे होंगे, तो ये जो काम है गलत है। आप जिस टाइम ड्राइविंग करें ना, आप कंसिडर ड्राइविंग पे करें। अक्सर होता है आप गाड़ी चला रहे हैं, बच्चा आपसे कहता है ये देख ले, मैं कहता बेटा अगर मैंने ये देखा तो फिर ऊपर ही जाएंगे। सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द रोड। और कोई भी जो लोग हैं जिनको, जिन्होंने अभी देख भी रहे हैं, कोई नए ड्राइवर्स हैं, तो ये बड़ी क्लियर बात है कि एक तो सड़क पे कंसंट्रेट करें, दूसरा ये साइड व्यू मिरर्स है ना, ये गाड़ी में किसी काम के लिए दिए गए होते हैं, इसको जरूर देखें, लोग नहीं देखते। तो ये 2-3 चीजें मेरे ख्याल से ड्राइविंग को बेहतर बना सकते हैं, एंड द अर्लियर यू स्टार्ट लर्निंग वो बेहतर है। और प्रोफेशनल से सीखें, बजाय इसके कि जिसे जिसे सेल्फ टॉट नहीं होते कि जी हमने घर में गाड़ी आगे पीछे करना सीख ली थी, तो ऐसे ही सीख ली। और ये फोन वाला जो मैसेज है, आई थिंक ये बड़ा अच्छा 90% होता है जब आप सड़क पर जा रहे हो ना, कोई बंदा 0 की स्पीड पे चल रहा है और पीछे पूरी ट्रैफिक उसने तबाह की। और हमारे मुल्क में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि शायद गाड़ी रैश चलाना तेज चलाना ही होता है, ये ज्यादा बुरा तरीका है कि आप फास्ट लेन के अंदर अपनी मैसेजिंग लगे हुए और आगे रश आवर्स हैं और लोग अपने आराम से लगे होते हैं ना। और आजकल जैसे पार्ट्स की कीमतें हैं, तो एक तो जानी नुकसान का तो कोई अजाला नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस करा सकते हैं लोग। और हमारा गाड़ी के पार्ट्स की प्राइसेस तो मतलब बहुत ऊपर है, मतलब आपको एक किया स्पोर्टेज की लाइट जो है वो 2.5 लाख रुपए की होगी। माय गॉड। हाँ जी, देखिए मेरा तो Equivalent to the right kidney. कोई sponsor? तो अगर आपने खरीदनी है गाड़ी, तो पार्क व्हील्स के ऊपर डैशबोर्ड बना हुआ है, जहां आप जाके अपनी मर्जी की कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और उस पे आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे। मतलब जो पार्क व्हील्स पे आपको रेट्स मिलेंगे, वो आप कंपनी के पास खुद भी वॉक इन करके जाएंगे ना, वो नहीं मिलेंगे। ये तो हमें पता है, क्योंकि obviously trust इतने सालों से चल रहा है। वन प्लेस है टू मेंटेन बाय सेल योर कार, वन प्लेस है। सो आई होप कि वीडियो लोगों ने एंजॉय की होगी, एयरपोर्ट राइड हमने की है, बट सही तरह हम मसाइल तो नहीं बता सके, बट एक दफा आपको रात को आना पड़ेगा। हाँ, सुनील साहब को बहुत मसाइल फील हुए थे, बट इस दफा जो थी रश नहीं था, तो वैसे मैं बड़ा क्लियर बता दूं, हम अपनी वीडियो में जो मसाइल बनाते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आई डोंट वांट टू बी अ क्राई बेबी, कि मैं बिला वजह क्रिटिसाइज करूं या कोई चीज गलत बिला वजह प्रेजेंट करूं। मेरा पॉइंट ये होता है कि हम चीजों को बेटरमेंट तब कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मेरे पेट में दर्द है तो मैं सर दर्द करके खोली खा के सही नहीं हो सकता। तो अगर मैं एयरपोर्ट आता हूँ, यूज करता हूँ एज अ कॉमन यूजर, और मुझे जो जो चीज फील होती है कि यहाँ पे कमी है, मैं उसकी निशानदेही करता हूँ, और इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे और आपको फील होता है, आम आदमी को फील होता है, जो अरबाब इख्तियार हैं जिन्होंने बनाया हुआ है उनके लिए एक अलहदा लेन है।
तो वो ये लेन फील ही नहीं करेंगे जिससे हम आए, तो उनको तो जिंदगी में कोई फील ही होना कि रश है, उनकी वीआईपी लेन है, वो उससे आएंगे उससे जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई कीप रेजिंग इश्यूज जो कि काम कॉमन आदमी के, और इसीलिए हमने कोशिश की कि इस वीडियो में भी वो इश्यू रेज करें। अब जो हमारे आने थे जिनको हम पैक करने आए थे, इनके गो एक्टर को, वो आ गए, और सुनील साहब कह रहे हैं कि ये 90 रुपए की पर्ची है और ये जो एयरपोर्ट के एंड पे है वो 100 रुपए लेंगे और वापस। एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं लास्ट हफ्ते में 2 दफा आया हूँ, तो 100 रुपए लेते हैं, वो 90 रुपए नहीं लेते। सर अब देखते हैं ऑनेस्टी प्रिवेल, और ऑनेस्टी जो उसका तरीका हुई है, आज जो पहले देंगे ना तो आपको वापस नहीं करेंगे, जब उन्हें कहेंगे ना कि 90 है तो कहेंगे हाँ मैं तो दे रहा था, आप वेट तो करें। चलिए अभी देख लेते हैं हम, आपने ये दिखाना उसमें लिखा हुआ 90 रुपीज, अब यहाँ पे देखे लिखा होगा 100 रुपीज, 90 रुपीज किधर लिखा हुआ, ये नीचे लिखा हुआ। उसके बाद एक्सेस में 30 रुपीज पर आवर है, 30 रुपीज पर आवर आया 10 रुपए आज जो है ना ठानी हुई है, यूनिवर्स में ठानी हुई है। नहीं सर नहीं, नहीं आता मेरे साथ 2 दफा हुआ, मैंने कल बल्कि रुका भी थोड़ी देर। आप सेलिब्रिटी के आदमी, उन्होंने 10 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, तस्वीर भी ली इनकी। सॉरी सॉरी ग्राउंड क्लियरेंस का मसला नहीं होता, हेड क्लियरेंस तो बिल्कुल नहीं है, सर पे लग जाएगी। मैंने अच्छा किया था, मैं सीट बेल्ट पहन के बैठा था, और हमारे जो बल्टी भाई है उनके साथ उन्होंने आते साथ ही पूरा उन्होंने दिया कि आपको देवशाही प्लेन्स याद आ जाएगा। ये देखें सर, एयरपोर्ट से निकलना भी बड़ा मुश्किल है, अब यहां से निकल के दिखाना दोनों अपने। अच्छा ये कर, मैंने नहीं बताना अबे, मैंने नहीं बताना, आप दोनों जाए ना राइट, बस लेफ्ट पे तो एयरपोर्ट था ना, दो पढ़े लिखे लोग, दो लोग जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, आपने भी लाहौर से ही मास्टर्स किया हो? नहीं, मैं तो अमेरिका से, फिर आपने तो बहुत पहले ऐसी चीजें देख ली होंगी, मैं मेरे लिए तो फिर भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं हुई, तो मैं मतलब अमेरिका में कौन सी डर लगता था मुझे। अच्छा आप खुद ही बट्टा चौक वाली लगे, इंटेलिजेंट बट्टा चौक नहीं था वैसे, लेकिन ले लिया बट्टा चौक वाला। ठीक है अब कहाँ जाना है, रिंग रोड ड्राइव इन, नहीं पीआई है, पीएसओ कितों बट्टा चौक से मुझे पता है, सिटी के पीछे और ये ऊपर कहाँ जा रहा है सर, रिंग रोड ऊपर रिंग रोड है, राइट पे बट्टा चौक है, लेफ्ट लेंगे तो सो आई होप व्यूअर्स आपको ये अच्छी लग रही होगी, स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज है हमारी, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी एयरपोर्ट कभी आए हैं और आपको मुश्किल फेस की हैं तो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये नया डिजाइन तो वो भी बताएं, तो और ये भी बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, हम इसको कंटिन्यू करें कि नहीं। तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टैप करें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हाफिज़।